हेलो भाइयों, तुम्हारा भाई आ गया फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है भाई 10 बज रहे हैं और आज तो आपको तो पता ही भाई, दो तीन दिन से मैं 10 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई आज तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, बिकॉज आज हम जा रहे हैं मौसी के घर पर, सिस्टर और मैं। वो जरा वहाँ घूम के आ जाएंगे और दीदी की मेरी तबीयत ख़राब, तो इन्हें भी देख के आना है। तो भाई चलो चलते हैं। लाल भाई अभी तो नहीं जाना, हमें जाना है 1 बजे करीब। वो देखो ये नाश्ता कर रही है, मैंने नाश्ता अपना ला के वहीं रख दिया था। और चलो भाई फिलहाल कर लेते हैं नाश्ता, चलो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नया हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। और चलो चाय पी लेते हैं अपना नाश्ता वास्ता करके, मिलते हैं। हाँ भाई, ए तो तू मेरे पराठे खा रही है? ओ मेरे पराठे रख, मेरे पराठे हैं सामने, देख 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 इसमें देख, इसमें देख। हेलो करे, हेलो हेलो कर दो, ऐसे हेलो करो, हेलो करो, हेलो। तो भाई ये अभी भाई बहुत छोटी है, तो इस हमारे भाई ये हेलो वेलो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं जानती। तो चलो भाई हम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके फिर मिलते हैं। तो भाई राशन रख दिया मैंने अम्मा का, बाहर से लाया था भाई, घर पर रख दिया राशन। भाई 1 बज गया भाई, मैंने आपको बताया था भाई मुझे जाना है मौसी के घर पर, वो हमारे साथ भाई इसके प्लान बन गया, ये भी जाएगी भव्या। भव्या तू भी जाएगी? तू कपड़े तो पहने नहीं है, ऐसे जाएगी? कपड़े बाहर। अच्छा क्या पहनेगी कपड़े में? फ्रॉक पहनेगी। और नीचे क्या पहनेगी? कच्चा। अरे वहाँ जूती पहनेगी, क्या पहनेगी? जूती। अच्छा जूती फ्रॉक। गिन्नी तू लहंगा पहनेगी तू मम्मी का? अच्छा लहंगा पहन लियो तू। तो चलो भाई मैं भी ये नहा धो लेता हूँ, तैयार व्यार हो जाता हूँ, गंदे हो रहे कपड़े ना, सही से अच्छे से कपड़े पहन के और फिर मिलते हैं नहा धोकर। वो खाना खा लिया तूने? भैया खाना खा लिया? हाँ। तो चलो जो पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे बाद में, नहा धो लेते हैं फिर। अच्छा सूट, अच्छा भाई ये सूट पहनेंगे। तो चलो भाई नहा धो के फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ नहाकर और भाई भूख लग रही थी, मैंने सोचा भाई खाना खा लेते हैं। भाई ये अंडे की सब्जी है, ये रोटी है, भाई कटोर धन में साथ रख के चलता हूँ, भूख लगे मुझे बाहर जाना ना पड़े। वो ये रो रही, देखो ए जा। तो चलो भाई खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और भाई मैं चुटके में गया था भाई, चुटके में आ गया भाई, नाम में नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो आज का मेरा आउटफिट है वाइट शर्ट, ये भाई पैंट जींस की और ब्लैक जूते और अपनी आई जी सोट की भाई गाड़ी। और तो भाई मैं सोच रहा हूँ बाल में ना क्रेडिंग करवा लूँ, है मम्मी मम्मी बाल ठीक कराने, मुझे बाल देख कैसे हो रहे देखो मम्मी क्या बोले छोटी, मैं छोटी बांध के ढोल वाला थोड़ी ना हूँ मैं। भाई इस बार कमेंट करके बताना, क्रेडिट करा लो सही रहेगा ना, दो छोटी बांध लिया कर। पागल है क्या तू? तो चलो भाई पैसे ले लेते मम्मी से, कुछ जाने भी है ना, मेरे पे तो रखे हुए थोड़े, मम्मी से वो ले लूँ दो पैसे, दो 5000 रुपये मेरे। 5000 पैसे लेगा तू? नानी के घर पे जा रहा हूँ। पैसे की क्या जरूरत है? पैसे की भाई, एक आधी कभी लड़की वड़की दिख जाए तो मुँह दिखा के पैसे देने पड़ेंगे ना पापा। नानी की बेटी के घर जा रही है, कैसे तू? नानी की बेटी के घर जा रहा है। 500 रुपये दिया बस मुझे। तो चलो भाई गरीब में मिल गया मोहित, तो चलो भाई मोहित को लेके चल रहे, भाई ने कटिंग करवा ली है। तो चलो भाई, चलो भाई चलते हैं। तो भाई जो हमें गज्जक लेनी थी भाई वो तो मिली नहीं, हो गया पोपट है, पोपट बन गया हमारा, पोपट बन गया भाई। तो चल चलते हैं, कुछ और ले लेंगे भाई, अंकल बोले भाई ठंडे में मिलते हो, चलो कुछ और ले लेते हैं। बोले गए थे मिठाई भाई, वहाँ तो मिली नहीं, हो गया हमारे साथ पोपट। तो मैं भाई सौरभ गौरव को भाई बाय बाय करने आया हूँ। हाँ सौरभ गौरव बाय बाय, आज जा रहा हूँ घूमने जा रहा हूँ, सही है? जो बनाऊँगा तुम्हारे साथ में, सही है? गुस्सा मत होना। तो चलो चलते हैं भाई, सब जा रहे थे नीचे खड़े में, मैं जा रहा हूँ मौसी के घर पर। तो चलो भाई नीचे चलते हैं। भाई हम आ चुके हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। वो बब्बे देखो, बब्बे में क्या रोक ये, अगर कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है। बब्बे कहाँ जा रही है घूमने? भाई शर्मा रही है बिल्कुल। तो चलो भाई चलते हैं फिलहाल में, भाई हमें नोएडा की लेनी है टोकन, भैया शर्मा की रही है। तो चलो भाई चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, आ रहे हैं नोएडा चलते हैं डायरेक्ट। आ चुका हूँ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन ऊपर, और अभी बब्बी भी मजा आ जाएगा ब्लॉग में,
है ना। तो भाई चलते हैं सीधा नोएडा, आपको नोएडा में मिलते हैं। इतने आप लोग सिनेमैटिक के एंजॉय। हम आ चुके हैं नोएडा। हाँ भाई बप्पिया, मजा आ गया ले हैं मेट्रो में? मजा आ गया भाई, काफ़ी ज़्यादा मजा आ गया। ऐसे मेट्रो में फर्स्ट टाइम आई थी, और अब फिलहाल में हमें ऑटो लेके फिर जाना है वो नोएडा सेक्टर 45। तो आपको बताया, मैंने आपको पहले बता रखा था मैं मौसी के घर पर जा रहा हूँ। तो चलो फिर, हाँ पकड़ो बप्पिया, आज तो अच्छी लग रही है ना, आइए। तो चलो भाई, भाई आप पीछे देखो, देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी है भाई, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है नोएडा में। तो आपको देखता हूँ भाई, मुझे थोड़ा मौका मिलेगा बाहर घूमने का तो आपको दिखाऊंगा वहाँ का व्यू कैसा है। तो चलो फिलहाल में चलते हैं बैटरी से पकड़ के डायरेक्ट घर। अंकल सोम बाजार, कितना सवारी? 10 रुपये सवारी। चलो चलो चलो, देखो भाई नोएडा में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई। देखो बाहर के बैटरी से में आतीलता है, अंकल आराम चलाओ भाई। देखो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, आतीलता यार। देखो भाई कम से कम होगी भाई 150-200 मंजिल तो होगी भाई। भाई हम आ चुके हैं मौसी के घर पे। भाई इसके देखो ये इसको भी भाई वे। चलो भाई जेकी नहीं पहचान पा रही हमें, जेकी वो भैया भाई भैया ये मौसी जेकी ने पहचान लिया मुझे। तो भाई देखो भाई जेकी कैसे मजे ले रहा है। वे जेकी, जेकी अब मम्मी आती कर रही है। अबे भाई ये किराएदार नहीं है, मेरी चाची की लड़की है। आ चुके हैं मौसी के घर में भाई। भाई बहुत देर लग गया भाई, और मेट्रो में भी काफी ज्यादा समय लग गया। तो अब देखते हैं क्या करते हैं भाई आगे। तो फिलहाल में तो भाई अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। मौसी कहीं अपनी ड्यूटी गए हुए हैं और मौसी भी बाहर गए हैं। और चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई चलो कर लेते हैं, अब नाश्ता कर लेते हैं। ए बब्बिया ए पी ले, ले इसी के बदला क्या। चलो भाई नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई खा लो, आर खा लो। हम आ चुके हैं छत पर। तो भाई छत पे जरा टी शर्ट ले जाऊँ भाई, मैं टी शर्ट अभी नहीं ली है, मैं घर से तो लाया नहीं। तो भाई भैया जी हैं पहले ने टी शर्ट। तो भाई ये भैया के रूम है अपना, तो चलो टी शर्ट देख लेते हैं बड़े सी। तो भाई मैंने टी शर्ट चॉइस कर ली है, ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी मुझे, है ना। ओ भाई देखो व्यू कितना तो प्यारा वहाँ का। तो चलो भाई चलते हैं, फिलहाल भी नहीं चलते हैं, भैया है नहीं दुकान पर। और भाई इनकी ना एक केक की खुद की शॉप है, तो आपको शॉप दिखाता हूँ कैसी है। और आप कहीं नोएडा वोडा में आओ तो इधर आके विजिट कर सकते हो आप। तो चलो चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं। देखो ये हमारी मौसी की शॉप है भाई, ये केक की। भाई भव्य देखो आके नोले पाई दो, ये हमारी मौसी जी की पूरी शॉप है। पूरी देखो यारी भव्य ने ले भी ली है। भव्य आ जा जल्दी, भाग जा। भाई कैसे जा रही है मौसी की शॉप पर? और ये देखो ओए ओए इसको भी ओए। तो भाई ये पूरी शॉप है हमारी मौसी की शॉप। वो काफ़ी मैंने केक वेक हर चीज़ वैरायटी मिल जाएगी इधर, जो बर्थडे होता है जो बर्थडे टॉफी में हर चीज़ मिल जाएगी भाई, केक वेक का सामान। तो इधर भाई केक बनता है यार रूम में, वो आपको चलो दिखा देते हैं यार रूम में। तो भाई देखो इधर ऐसे ऐसे केक बना रहे भैया, काफ़ी बड़े बड़े बना देते हैं भाई। गुड़िया वाले भी बना देते हो तुम? गुड़िया वाला भाई कोई सा भी हो, आपको बस फोटो दिखाना है बस, बाकी तो भाई बनाए देंगे। तो चलो चलते हैं अपनी दुकान पर और मिलते हैं थोड़ी देर में मौसी से भी। तो चलो दुकान पर बैठ जाते थोड़ी देर। तो यार केक पूरा तैयार किया है भैया जी ने, ये रे हमारे भाई। वो भाई देखो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है एकदम भाई। मैं तो भाई कई सारे खा लिए इधर, देखो कितने सारे भाई देखो।
भाई बब्बे है ये खेल लिया हमारे मौसी के घर पे। ये काशी लाई मौसी तेरी पेटी खाली मजा आएगा। और ये स्मार्ट है कि अच्छा है? अच्छा है, मजा आ रहा था मौसी घर पे। इधर केक बहुत सारे है ना भाई, बहुत सारे केक भाई से। किसकी फोटो खींचो? केक के लिए दबा दूं। चलो खाना खा गया हो चले। हमारे साथ हो चुका है एक पोपट, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। मौसी और मौसा गए हुए कहीं घूमने, भाई इधर हम आए और भाई इनसे आधे घंटा पहले वो चले गए थे। तो घर पे भाई आए, भैया तो मैं सब संभालते हैं, आपको पता ही है इनकी दुकान है। और भाभी है, भाभी भाई खाना वाना बना रहे अपने, भाई बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। दीदी हैं, दीदी अपनी इनके भाई कोई फ्रेंड है वहाँ शादी वादी है तो वहाँ हल्दी वल्दी लगा रही हैं। और भाई मैं पड़ गया खेली, भाई मुझे तो पता भी नहीं था यार ऐसा वो होगा। भाई बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 घंटे तो मुझे सोते सोते हो गए, सो रहा था आराम शांति से। तो मैंने बोला चलो यार जल्दी जगो, अब ब्लॉग व्लॉग बनाना है हल्का फुल्का। तो मैं ऊपर आ गया भाई अपने अपने भाई के रूम में, तो वहाँ बहुत अच्छा व्यू भाई। एक आधे फोटो वोटो खिंचवाऊँगा मैं तेरी, वो देखते भाई क्या करता। फिलहाल मैं भी नीचे भाभी हैं, थोड़ा भाभी से मिल लेंगे और फिर खाना वाना खाते हैं ना, कम से कम नीचे मिलते हैं अब। भाई मैं आ चुका हूँ भाभी के रूम में और भाभी जी नाश्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ आप सुनाओ। हाँ बढ़िया हूँ। आप घर पे क्यों नहीं आते, घर पे आ जा करो। आएंगे। अच्छा बस बोलते हो आते तो आने तुम। तो चलो भाई अब खाना वाना खा लेते हैं भाई, बहुत तेज भूख लग रही है भाभी जी बस। हाँ बहुत तेज भूख लग रही है, तो चलो भाई खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। तो भाई तुम्हारा भाई ने तो पूरा रूम भाई बुक कर रखा है अपन यहाँ भाई। जब मैंने मौसी को बता रखा भाई, जब मैं आता हूँ ना या कोई मेरे भाई भाई आते हैं, कोई रिश्तेदार में आते हैं तो वो इनका रूम होता है। तो ये तुम्हारा भाई ने ले रखा है रूम। और चलो खाना खा लेते हैं, पहले गद्दे बिछा लूँ हेला। चल भाई आज के खाने में है पालक की सब्जी और पनीर और ये रोटी। चलो भाई खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। खाना खाने में तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बनाया था भाभी जी ने। और भाई चलो कोई मिलेंगे कल कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वैसे मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।